ये कहानी है शिवन्या की, जो कि पृथ्वी लोक पर जाती है। वहाँ जाकर वो क्लब में जाती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक रवि नाम की लड़के से होती है। समय के साथ उनकी नजदीकियाँ बढ़ जाती है, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शिवन्या प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, पर उसका विवाह नागराज शिव के साथ हो जाता है, पर वो अपने बेटे से मिलना नहीं छोड़ती। लेकिन जब इस बारे में नागराज शिव को पता चलेगा, तो क्या वो अपनी नाजायज औलाद को अपनाएगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। नागिन शिवन्या दुल्हन के भेष में सजे हुए सेज पर बैठी हुई अपने नाग का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब नागराज शिव शिवन्या के पास आता है, तो उसका घूंघट जैसे ही उठाता है, वैसे ही वो देखता है कि नागिन शिवन्या की आंखों में आंसू है। उसकी आंखों में आंसू देखकर नागराज शिव उससे कहता है, नागिन शिवन्या, आपकी आंखों में आंसू क्या हुआ, हमें बताइए, आखिर किसके कारण आपकी आंखों में आंसू है? नहीं नागराज, कुछ नहीं हुआ। आज हमारी पहली रात है ना, तो बस इसलिए हम थोड़ी सी घबरा रहे हैं। ओह अच्छा, तो हमारी अर्ध नागिन को घबराहट हो रही है, तो इसका क्या उपाय निकाला जा सकता है? यदि हमें पता होता तो हम आपको बता देते ना। कोई बात नहीं, आप चिंतित मत होइए, हम आपको तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आप हमें इजाजत ना दें। इतना बोलकर नागराज शिव अपना तकिया और कंबल लेकर वहाँ से अपने सोफे पर चला जाता है और सो जाता है। कुछ देर बाद जब नागराज गहरी निद्रा में चला जाता है, तब नागराज को इतनी गहरी नींद में सोता देखकर नागिन शिवन्या उनके पास जाती है और नागराज के माथे के ऊपर हाथ रखकर खुद से कहती है, नागराज हमें माफ कर देना, जाने अनजाने में हमने आपको बहुत दुख पहुँचाया, पर हम आपको दुख नहीं देना चाहते। आपको तो ये भी नहीं पता कि हम दुखी क्यों हैं। नागिन शिवन्या खुद से ये सब बोल रही थी, तभी नागराज करवट लेते हैं और उनको करवट लेते देखकर नागिन उनसे दूर हो जाती है और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। समय गुजरता है। समय के साथ नागरानी हफ्ते में दो बार पृथ्वी लोक जाया करती, लेकिन कुछ समय बाद उनका नाग महल से निकलना वर्जित हो जाता है। बस इसीलिए वो बहुत उदास रहने लगती है। शिवन्या का कहीं भी मन नहीं लगता था, वो हर समय उदास रहा करती। ऐसे ही एक दिन शिवन्या अपने कक्ष के झरोके पर बैठकर रो रही थी और रोते हुए खुद से बोल रही थी, हे प्रभु, हमें किस दुविधा में फंसा दिया है आपने। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आखिर हम अपने दुखों से कैसे बाहर आए, न जाने हमारा बेटा किस हालत में होगा। शिवन्या खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी नागराज उनकी बातें सुनते हुए कक्ष में आता है और उनसे बोलता है, शिवन्या आपका बेटा है? नागराज की बात सुनकर शिवन्या फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उसे कहती है, हाँ नागराज शिव, हमारा एक बेटा है और वो हमसे दूर रहता है। खुद को संभालिए आप, हम आपको गलत नहीं समझेंगे। हम तो आपके बेटे से आपको मिलवाने के लिए धरती लोक पे ले जाएंगे, पर उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपका एक बेटा है तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप पहले से शादीशुदा है। नहीं नागराज, हम पहले से शादीशुदा नहीं है, पर हम एक बच्चे की माँ जरूर है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी औलाद कैसे हो सकती है? साथ ही आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? हमें माफ कर दीजिए नागराज, पर ये बात आज से 3 साल पहले की है, जब हमारा रिश्ता आपसे तय ही हुआ था। नागिन शिवन्या अपनी माता के साथ रहा करती थी। बहुत जल्दी नागिन शिवन्या का विवाह नागराज शिव से होने वाला था। ऐसे ही एक दिन नागिन शिवन्या अपनी माता के पास जाती है और उनसे बोलती है, माता कुछ ही महीने बाद हमारा विवाह नागराज शिव से हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों ना हम अपने विवाह से पहले एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण कर लें। परंतु पुत्री अकेले पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकती, यदि आपके पिताजी को ये बात पता चली तो वो हम पर बहुत ही गुस्सा करेंगे। आप जानती है ना, आपका विवाह होने वाला है और आपको अकेले पृथ्वी लोक पर जाना वर्जित है। पर माता, विवाह के बाद तो हम अपने नागलोक की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा ही लेंगे ना। माता कुछ कीजिए ना, हमारा बहुत मन है वहाँ जाने का। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारे पिताजी को संभाल लेंगे। अपनी माता की आज्ञा पाकर शिवन्या काफी खुश हो जाती है और कुछ ही समय पश्चात वो पृथ्वी लोक चली जाती है। पृथ्वी पर जाकर शिवन्या काफी खुश थी, वो हर जगह घूमती है। शिवन्या घूम ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक क्लब पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सभी लोग क्लब में डांस कर रहे हैं। उनके डांस को देखकर शिवन्या खुद से कहती है, ये किस प्रकार का नृत्य है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नागिन खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रवि नाम का एक लड़का आता है।
जहां वो नागिन शिवन्या को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो उसको पहले ही नजर में शिवन्या से प्रेम हो जाता है। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, हेलो मिस। अब हम इसको क्या जवाब दें? नमस्कार। नमस्कार? अरे कौन से जमाने से हो तुम? यहाँ पर हाय हेलो चलता है, नमस्कार नहीं। और देखने में तो तुम काफी शरीफ लग रही हो, फिर यहाँ क्या करने आई हो? वो क्या है ना, हमारा आज घूमने का बहुत मन था और हम घूमे भी। हम घर जा ही रहे थे कि तभी ये अजीब सा दिखने वाला नृत्य कक्ष दिख गया, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर आए। और जब हम यहाँ आए तो अच्छा बाबा ठीक है, मैं समझ गया, चलो अंदर मैं तुम्हें ये क्लब घुमाता हूँ। नागिन रवि के साथ क्लब में जाती है जहाँ वो लाउड स्पीकर के साथ सभी को डांस करते हुए देखकर खुद से कहती है, यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पृथ्वी लोक पर ऐसी चीजें भी होती हैं। खैर जो भी हो, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हम अपने नाग लोक में रहकर नागिन नृत्य करके थक चुके हैं, क्यों ना हम यहाँ के नृत्य को एक बार करके देखें। अरे ये क्या है, ये तो देखने में मदिरा प्रतीत होती है, जहर भी पीकर हम थक गए हैं, अब हम मदिरा भी पीकर देखेंगे। शिवन्या खुद से बातें कर मदिरा उर्फ शराब पीती है और नशे में वो भी डांस करने लगती है, क्योंकि रवि को शिवन्या काफी पसंद थी और नशे की हालत में शिवन्या कहीं आने जाने लायक नहीं थी। बस इसीलिए वो शिवन्या को संभालते हुए अपने घर लाता है। शिवन्या का चेहरा चमक रहा था, उसकी सुंदरता देखकर रवि खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में विलीन हो जाते हैं। अगली सुबह जब शिवन्या की आंख खुलती है तो वो खुद को रवि के साथ देखती है। खुद को रवि के साथ देखकर शिवन्या रवि को उठाते हुए उससे कहती है, ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे साथ नजदीकियां क्यों बढ़ाई? क्योंकि मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नागिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रवि उसको काफी रोकता है पर शिवन्या नहीं रुकती और नागलोक चली आती है। नागलोक में जाने के बाद भी शिवन्या उस रात को नहीं भुला पा रही थी। समय गुजरता है और समय के साथ शिवन्या को उल्टियां और चक्कर आने लगते हैं। ये लक्षण देखकर शिवन्या समझ जाती है कि वो गर्भवती है। बस इसीलिए वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी करती है। पर ये सब देखकर नागिन नैना शिवन्या के पास आती है और उससे कहती है, पुत्री तुम कहाँ जा रही हो? माँ हम विवाह करने से पहले पृथ्वी लोक पर जाकर कुछ महीनों की तपस्या करना चाहते हैं। जैसे ही हमारी तपस्या पूर्ण होती है हम वापस आएंगे, क्योंकि नागलोक की जिम्मेदारी संभालना हमें नहीं लगता कि आसान है। अपनी पुत्री की समझदारी वाली बातें सुनकर नागिन नैना भी कुछ नहीं बोलती और नागिन शिवन्या भी पृथ्वी लोक पर जाकर अपने बच्चे को जन्म देती है। ये थी हमारी कहानी नागराज, हमने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और उसे हम पृथ्वी लोक पर ही छोड़ा। आपके साथ विवाह के पश्चात भी हम अपने बेटे से मिलने अक्सर जाया करते हैं, पर कुछ समय से हम नहीं जा पा रहे थे, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। भले ही वो नागलोक की नजरों में नाजायज औलाद कहलाए पर वो है तो हमारी ही औलाद। हमें माफ करना, हम आपके दुखों का एहसास तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम आपको रोते हुए देखकर ये तो कह सकते हैं कि आप अपने बेटे से मिलने को कितनी बेचैन हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारी पत्नी हैं और हम आपके आंखों में आंसू नहीं आने दे सकते। हम धरती लोक पर आपके साथ चलेंगे और हमारे बेटे को यहाँ नागलोक में लेके आएंगे। उसमें भले ही इंसान का खून है पर वो आने वाले समय में नाग बनेगा, साथ ही इस नागलोक का होने वाला नागराज भी। शिव का साथ देखकर शिवन्या को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद नागराज शिवन्या के साथ पृथ्वी लोक के अनाथालय जाते हैं, जहाँ शिवन्या रवि को देखती है। साथ ही रवि की नजर भी शिवन्या पर पड़ती है और उसको देखकर रवि शिवन्या से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने बेटे को लेने आई हो, पर ये मत भूलो कि ये बेटा तुम्हारे अकेले का नहीं बल्कि मेरा भी है। मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर तुम कहाँ चली गई थी शिवन्या? देखो मैं आज भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, हम हमारे बच्चे के साथ खुश रहेंगे। हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारा विवाह हो गया है, और हम तुम्हें एक और सत्य बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हैं। हमारा मेल कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हारे पास कभी नहीं आए, और अब हम अपने बेटे को यहाँ से ले जाने आए हैं क्योंकि वो भी 25 सालों बाद एक नाग बन जाएगा।
नहीं, अगर तुम एक नागिन हो और मैंने नागिन से प्यार किया है तो मैं उसकी निशानी को साथ लेकर रहना चाहता हूँ। क्या हो गया अगर मेरा बेटा एक नाग होगा तो मैं उसको संभाल लूंगा। शिवन्या, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं नहीं चाहता कि नागलोक में किसी को ये पता चले कि उसकी नागरानी की एक नाजायज औलाद भी है। तुम्हें जब भी हमारे बेटे से मिलना हो तो तुम आ जाना, पर तुम मेरे बेटे को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। रवि की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी, बस इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है और अपने नागलोक चली जाती है। पर जब भी उसको उसके बेटे की याद आती तो वो उससे मिलने आ जाती।